आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को, आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो, आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के आपकी, बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया? कई बार हुआ है, और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा। रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। होता है, सबके साथ होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो, अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए? खबरदार, कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से। ये करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं, और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता होता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा, उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखो इन दो सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस दो हैं, एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको बॉस को, तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई। तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरह वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है।